हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी कैफे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से आई रिक्रूटमेंट के बारे में। और इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, मंथली और सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस जॉब की जानकारी के लिए आप स्टडी कैफे डॉट इन पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे भी आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। एनएमआरसी ने जो ये रिक्रूटमेंट निकाली है वो जनरल मैनेजर, जॉइंट जनरल मैनेजर एंड जॉइंट जनरल मैनेजर इन एचआर, इन तीन पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है एंड जॉइंट जनरल मैनेजर इन फाइनेंस के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है और जॉइंट जनरल मैनेजर इन एचआर के लिए यहाँ पे एक पोस्ट गिवन है। लास्ट डेट सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म 22 जुलाई 2022 है। और अगर हम लोग पे स्केल की बात करें तो जॉइंट मैनेजर की यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो 90,000 से लेके 2,40,000 तक रहेगा और एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 50 के करीब होनी चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए फाइनेंस में पे स्केल जो रहेगा वो 70,000 से लेके 2,20,00,000 तक रहेगा और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स रहेगी। जनरल मैनेजर इन एचआर के लिए यहाँ पे जो पे स्केल गिवन है वो 1,20,000 से लेकर 2,80,000 तक है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 55 साल रहेगी। जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए जो पे स्केल गिवन है वो 90,000 से लेके 2,40,000 तक है और मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल रहेगी। डिप्टी जनरल मैनेजर इन एचआर के लिए पे स्केल जो रहेगा वो 70,000 से लेके 20 लाख तक रहेगा और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स है। आप इस पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टडी कैफे डॉट इन पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी रिक्रूटमेंट से जितनी भी डिटेल्स गिवन है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप विजिट कर सकते हैं या फिर www.studycafe.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स। ऐसी ही और रिक्रूटमेंट की डिटेल्स अब से अपडेट होने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।